मेरा चैनल छोड़ के जा रही है, कह रही है दूसरे चैनल में आऊंगी। कोई अपने चैनल में खरीदना चाहता है तो बता दो। प्रीति को बड़ी रिक्वेस्ट की, हाथ वाथ जोड़े, मैं कहा यार व्लॉग में वापस आ जा, तो आज फिर ये वापस आ गई। भूल गई होगी, ये बहुत जो है ना छोटा है, छोटा समझ स्मॉल नहीं है। तो सत श्री अकाल है और एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और हमने खूब सारे कमेंट पढ़े आज। व्लॉग की स्टार्टिंग भी वहीं से कर रहे हैं और खूब सारे कमेंट पड़े कि प्रीति नहीं आई कल के व्लॉग में, तो प्रीति अपने मुंह से खुद ही बताएगी कि मैं क्यों नहीं आई। तो वो आ चुकी है प्रीति। हाँ भाई, सब तुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ मुझे पता है, मेरी फैमिली मुझे मिस कर रही है और मैं भी अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। कल मैं इसलिए नहीं, पहले फोन रखती हूँ। ये फोन पे स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं कल इसलिए नहीं आई क्योंकि एक तो कल मेरा बीपी बहुत लो था और सेकेंडली मैंने ना कल बच्चों को जब लेने गई ना स्कूल, तो इतनी बारिश, तो मैंने तीन बच्चे लेने थे, निधि के भी बच्चे थे दो और एक मेरा कीरत। हुआ क्या, मैं इतना भीग गई और मैं अपनी गाड़ी से छाता निकालना भी भूल गई। हुआ क्या, मैंने कहा बारिश रुकी हुई है, मैंने कहा फटाफट ले आऊंगी, वो फटाफट के चक्कर में इतना भीग गई मैं आपको बता नहीं सकती। कीरत का पूरा बैग, उसके बाद मैं जैसे गेट के अंदर एंटर करी मेरा पैर हो गया स्लिप, और वहां पे हो गया नहीं, वो गड्ढा नहीं हुआ, मेरा पैर इतनी जोर की स्लिप हुआ मैं आपको बता नहीं सकती, उस वजह से फिर मैं उठ ही नहीं पाई हूँ। तो बस इसलिए मैं कल ब्लॉग में नहीं आई क्योंकि मुझे कल अच्छा भी नहीं लग रहा था और मैं बहुत लो भी फील कर रही थी। अब मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ, मेरे को काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि प्रीति दीदी आप ब्लॉग में नहीं आए, कल ब्लॉग में मज़ा नहीं आया, ये भी वो, लेकिन नहीं, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया एंड थैंक यू, आप सब ने मेरे को मिस करा और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं मुझे, पर्सनल पे भी आए हैं, थैंक यू। आपको पता लग गया होगा ये क्यों नहीं आई, ये इसी करके नहीं आई थी और अब मस्त से मजे आने वाले हैं थोड़ी देर में। सारा काम आज मोनू कर रहे हैं ना, जब से मेरा पैर स्लिप हुआ है मोनू ने ही आलू की सब्जी बनाई, मोनू ने ही थोड़ी बनाई, आज मेरा भाई आया उसको सैंडविच भी मोनू ने ही खिलाया, सारा काम आज मोनू ने करा। उसके बाद ये देखो ना, ये वाला, ये जो गंद फैला है। और एक चीज, आपने आगे बारिश तो एंजॉय कर ली ना, और कंटिन्यू बारिश हो रही है, आज भी हम लोग फुल फ्लेज बारिश में मजे कर रहे हैं, मतलब इतनी बारिश हो रही है आपको क्या ही बताए। बच्चों का बैन कर दे, तेरे को आने दे हैं, मैं तो आऊंगी ना, तू क्यों आएगी, तू गंदनी में जाती। बच्चों का हाल देखो ना, दो मिनट में भी खेल के चले जाते हैं, कुत्ता बिल्ला सब छुपा जाते हैं। टाइम हो चुका है रात के 10:08 और पार्क का व्यू कुछ इस तरह है, पानी पानी हुआ हुआ है। क्या बोल रही है, पानी पानी हुआ हुआ है, पेड़ गिरे हुए हैं, और एक चीज और बताते हैं, साइकिल में जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और एक चीज आपको और बताते हैं, हम नहीं सुधरेंगे, मतलब ये कि हमने कहा यार रात के 10 बज रहे हैं, चलो बाहर घूम के आते हैं और थोड़ा सा व्यू देखते हैं, कहाँ कहाँ पानी कैसे कैसे जमा हुआ हुआ है। तो अभी हम गुड़गांव से निकले हैं और द्वारका की तरफ जा रहे हैं, द्वारका की तरफ से फिर डैडी को भी पिक करेंगे, डैडी एयरपोर्ट एक्सप्रेस पे आ रहे हैं, उन्होंने कहा था दिल्ली आ जाओ मुझे लेने के लिए, हमने कहा भाई हम दिल्ली नहीं आ रहे, आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस पे आओ, हम आपको पिक करने आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट एक्सप्रेस से उनको पिक करेंगे और बारिश को एंजॉय करते हुए जगह जगह से, मतलब कैसे कैसे क्या हो रहा है वो करते हुए सीधा पहुंचेंगे। हाँ बताओ, मैं आपको कहना चाह रहा था, इतनी बारिश हुई है, ये जोगिंदर भी नहीं बोल सकता, तब भी एक रोड में एक बूंद भी नहीं पानी पड़ा। पानी हुई है बेटा सब जगह, अरे अभी सूखा हुआ है ना इसके हिसाब से। तो आज जो हमारी गुड़गांव का प्रशासन है ना, उसने बहुत अच्छा फैसला लिया था, मतलब फैसला अच्छा इस करके था कि गुड़गांव में आज बिल्कुल जाम नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने MNCs को बंद कर दिया था, सारी कॉर्पोरेट्स को रिक्वेस्ट की थी आप भी बंद कर दो, और प्लस स्कूल सारे बंद कर दिए थे, तो उससे क्या हुआ कि ट्रैफिक में जो हैवीपन था वो कम हो गया, बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक रहा, आज ज्यादा जाम नहीं हुआ। तो बस यही है कि इसी तरीके से अगर ये लोग काम भी करें और ड्रेन वगैरह को अच्छे से साफ करें और प्रॉपर ड्रेनेज करें, तो कभी ऐसी दिक्कत होगी नहीं। अब आप असम साइड चले जाओ या किसी और स्टेट में चले जाओ, अगर इतनी हैवी रेन होती है तो चलता ही रहता है, स्टेट को तो छोड़ो किसी कंट्री में चले जाओ, बाकी कंट्रियों में तो कंटिन्यू बारिश होती रहती है, इतना पानी जमा ही नहीं होता। तो ड्रेनेज प्रॉपर होनी चाहिए, अगर ड्रेनेज प्रॉपर होगी तो सब कुछ अच्छा चलेगा। तो बाकी आप लोग कल कह रहे थे प्रीति नहीं है, व्लॉग बड़ा सुना है, मजा नहीं आ रहा, तो फिर मैंने प्रीति को बड़ी रिक्वेस्ट की, हाथ वाथ जोड़े, मैं कहा यार व्लॉग में वापस आ जा, तो आज फिर ये वापस आ गई। ये कह रही थी जैसे कपिल शर्मा की वो गुत्थी ने उसको छोड़ दिया था ना, तो मैं तुम्हारे व्लॉग में छोड़ के जा रही हूँ। प्रीति मुझे सैलरी नहीं मिल रही, कह रही मुझे सैलरी नहीं मिल रही हो, यूट्यूब वालों सैलरी दे दो यार प्रीति को, तुम सैलरी नहीं दे रहे हो। मुझे सैलरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं भाई, यूट्यूब सैलरी नहीं दे रहा कुछ भी मेरे को। अगर कोई अपने चैनल में खरीदना चाहता है तो बता दो,
वैसे इस लायक नहीं हूँ मैं। आ, तो ये मेरा चैनल छोड़ के जा रही है, कह रही है दूसरे चैनल में आऊंगी, ये कंपटीशन में दूसरा चैनल स्टार्ट करने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा चैनल नहीं, कुछ नहीं है। और कोई हम इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं बन गए जो लोग बोलते हैं प्रीति दीदी आप सेलिब्रिटी बन गए, इसलिए हम वही नॉर्मल इंसान है। आप लोगों ने ही हमें इतना प्यार दिया जो है आप लोगों ने ही बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो चलते हैं, एंजॉय करते हैं। और अभी एक बहुत प्यारा सा होर्डिंग आने वाला है, उसके पास गाड़ी रोकूंगा और आराम से एक वीडियो मस्त सी बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और सबको लगना भी चाहिए, क्योंकि हमारी सिटी है, हमारी सिटी का नाम इतना प्यार से लिखा है, तो मजा आता है। ऐसी नजर लगी है ना, एक तो बरसात, ऊपर से मार्केट नहीं लग रही। 23 सेक्टर की मार्केट बंद है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो भगवान भी कह रहा है कि 23 सेक्टर से बाहर निकल बेटा, थोड़ा आगे चल, तू एक ही जगह अटक गई है। यहाँ से लेके मेट्रो स्टेशन तक स्टॉप होते हैं बस, अभी अटक चुकी है एक जगह, तो भगवान ने भी कहा आगे निकलो, आगे निकलो, कुछ बढ़ो, पानी चलता रहना चाहिए, आगे तक बढ़ चुकी है। तो पानी एक्चुअली क्या है कि कहावत भी है, पानी चलता रहना चाहिए, रुका पानी खराब होता, तो इसके ऊपर पानी है, ये चलती नहीं है, इसको चलाया गया। और आपको एक और बात कहनी है, बता। तो अभी ना पेट्रोल का है, पेट्रोल है 71 और अभी पोस्ट तो पता नहीं जीरो हो जाएगा। आ जाएंगे वापस, नहीं जीरो तो हो सकता है, आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। बरसात की वजह से लाइट्स बंद करी हुई है इन्होंने शायद, तो ये बारिश की वजह से ना इन्होंने मेरे को लगता है लाइट्स और जो ये फाउंटेन बनाए हैं ना वो बंद करे हुए हैं, पर ये इतना प्यारा लगता है ना यार, क्या पता मजा आ जाता है। लाइट्स बंद ही हो जाती है, हमें भी क्या पता, मतलब मजा आ जाता है। तो इस पे क्या प्यारा प्यारा लिखा है, आई लव गुरुग्राम। तो कभी कभी शाम को आओ ना यहाँ पे, तो लोग सेल्फी वगैरह खिंचवा रहे होते तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कहते हैं ना एक को मतलब अच्छी सी फील आती है, तो वो चीज है। ये गुड़गांव में 3-4 जगह में ये चीजें लग चुकी है। आज ना प्रीति बहुत दिनों के बाद मूड पे आई है, मूड पे आई इन द सेंस आज ये सबके कमेंट पढ़ते पढ़ते आज कह रही है कि आज ये कमेंट बहुत अच्छा लगा है जो इंस्टाग्राम पे किसी ने मैसेज भेजा है। सारे मैसेजेस हैं बहुत, उसमें रैंडमली मैंने एक मैसेज किया है तो इसको बहुत अच्छा लगा है, वो आपको पढ़ के सुनाएगी, तब तक मैं उनका एक बार नाम दिखाता हूँ आपको। सूरज कतवाल, तो इन्होंने नेपाल से बहुत अच्छा मैसेज दिया है और बहुत प्यार भरा मैसेज लिखा है। इन्होंने ये लिखा इस पे, क्या लिखा प्रीति तू ही बता दे, मैं नहीं बताता। थैंक यू। एक मिनट पहले हम दिल्ली की वाटर क्रॉसिंग दिखा दे रहा। दूसरी वाटर क्रॉसिंग, तो अभी दो वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है भाई मेरे। हाउ वाओ हाउ वाओ हाउ वाओ हो रहा है भाई। अब प्रीति कुछ बताएगी। और दो वाटर क्रॉसिंग, तो इन्होंने मुझे मैसेज दिया है, नमस्ते प्रीति दीदी, आई एम योर बिगेस्ट फैन। अरे ऐसे मत कहा करो, बिगेस्ट फैन प्रीति को ऐसी बोला करो, फैन मत बोलो भाई। नहीं थैंक यू सो मच। फ्रॉम नेपाल, I love watching your vlog daily. गाड़ी हिल रही है ना, फोन पे। ओहो कौन गया? I like your whole family. एक बार please come Nepal for vacations. Nepal is like a heaven. I suggest you to come Nepal after Diwali or if it is possible then you can come before Diwali. And I request you and your family to watch a Nepali film dubbed in Hindi named प्रेम गीत 3। तो भाई पक्का सूरज भाई हम नेपाल आएंगे और हमारा प्लान भी है नेपाल आने का। और प्रीति को काठमांडू बहुत पसंद है, पोखरा नहीं, प्रीति को काठमांडू बहुत पसंद है। और काठमांडू में प्रीति की फेवरेट कुछ प्लेसेस हैं। जब हम 2018 में नेपाल आए थे तो हम लोगों ने काफी इंजॉय, उस टाइम पे हमने काफी इंजॉय किया था। तो हमारा प्लान है 100% है, प्लान माइंड में बहुत है, बट अब देखो क्या मतलब सक्सेस होगा। तो अभी तो बस जल्दी कुछ ना कुछ अच्छे प्लान होने वाले हैं। तो मैंने ना एक गेम ट्राई करी है, उसका नाम है रोबलॉक्स, आपने भी बहुत बारी खेली होगी। उसके अंदर भी था एक, मैंने जगह ढूंढ ली गेम, वो हमारी दिल्ली जैसी है पूरी। जब हम मेयर पूछे निकल जाए ना, उसमें नमस्ते बनाते हैं। हाँ, तो ये मुझे दिखा रहा था, वहाँ पे एक वो नमस्ते का साइन बना हुआ है, तो मुझे दिखा रहा है पापा ये देखो नमस्ते। अब ध्यान आया ये सुबह गेम के, तब मम्मी देखो मैं एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ। ओ भाई मेरे ये क्या हो गया, नहीं रुकी हुई है, रुकी नहीं हुई भाई, ये नाली में घुस गई। हम हेल्प नहीं कर सकते इनकी, क्या हेल्प करेगी, वो खुद ही नहीं है गाड़ी में, कुछ हुआ है इनके साथ। गाड़ी खड़े पे खड़ी हुई, टायर पंचर। एक्चुअली क्या होता है बारिश में ना गाड़ियां खराब भी हो जाती है, एक्चुअली पानी में जाती है तो खराब भी हो जाती है, और कुछ गड्ढे वड्ढे में चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहिए। तो सबको रिक्वेस्ट है, तो कहीं पे भी ध्यान से चलो, यहाँ पे खड्डे रोड में एकदम हो जाते हैं, जो हमारा रोड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो धस रहा है रोड। यही है कि रिक्वेस्ट है इन दिनों में थोड़ा ध्यान से और सावधानी से चलो,
और स्लो गाड़ी चलाओ, इतना नहीं है कि आप 100 की स्पीड में चला रहे हो, पानी उछालते जा रहे हो, वो काम मत करो। तो हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन और यही कहीं डैडी हमें कह रहे हैं कि मैं बाहर ही आ रहा हूँ। डैडी कह रहे हैं मैं बाहर ही आ रहा हूँ, बाहर ही मेरी वेट करो। तो हम लोग बस बाहर पहुँचने वाले हैं, डैडी हमसे पहले पहुँच गए आज। यार ये मेट्रो बहुत तेज आती है, हम लोग देर हो जाते हैं, डैडी पहले आ जाते हैं। वो खड़े डैडी दूर से दिख गए हमें, ऑरेंज पगड़ी में मस्त खड़े हैं, हमारी वेट कर रहे हैं। हमने डैडी को ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ। घूम लिया बड़े अच्छे से और खूब पानी पानी हुई है, देखा ना दिल्ली भी और गुड़गांव भी मस्त। चलते हैं घर और मिलते हैं। अरे पानी ऐसी ऐसी कर दिया है, पूरी जगह ही पानी पानी है, हर जगह पानी है, बारिश रुक ही नहीं रही, कंटिन्यू चलती जा रही है। पता नहीं कौन से मौसम की बारिश है ये, सावन लेट आया थोड़ा सा। सावन ये तो भैया ठंड वाली रहेगी, ये ठंडी डालेगी ये तो। ये आज तो 40-35 साल पहले दुसहरे होते लोग छोटिया स्वेटर पहनते, आधी बाजू की पहनते थे, हम भी पहनते थे, मम्मी बनाती थी। अनुप्रीति छोटी ना कर दे जा बच्चे से ना, कीरत कोई पहनानी चाहते थे। वही चीज वापस आने लग गए, क्लाइमेट वापस आ रहे हैं। आज से 40 साल पहले भी ऐसे होता था, छोटे छोटे मतलब मौसम आता था वापस। हम दुसहरे के ऊपर टक्के टक्के की मूंगफली खाते थे, मूंगफली और छोटे स्वेटर पहनते थे। आज वही मौसम आ रहा है फिर दोबारा। तो आते ये लग गई है किचन पे और क्या बना रही है? बच्चों वाली दूध चाय। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चा मींस मैं, मेरे लिए बना रही है। मैं मस्त दूध चाय और कीरत भी पिएगा मस्त दूध चाय। और यार बस आज मैं आपको क्या बताऊं, बारिश कॉफी पिएगी दिखाइयो। अरे राम मेरे हाथ पे लग गई। बारिश का तो बस आनंद ही आनंद है, बारिश ही बारिश हो रही है बस, और कुछ हमें तो सूझ ही नहीं रहा, सिर्फ बारिश और बारिश। और जो आज का थॉट है ना वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही प्यारा है। मुझे बहुत खुशी हुई वो थॉट सुन के, इस करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग इसको जितना शेयर कर सकते हो कर देना। तो आज का जो थॉट है वो ये है, मंजिल तो मौत है, मंजिल पे जाके बात खत्म हो जाएगी। नजारा लेना है तो सफर का लो, इंजॉय करना है तो जिंदगी को एंजॉय करो, एंजॉय करना है तो सिर्फ जिंदगी को और सफर को एंजॉय करो। बस हंसियां खुशियां बांटते रहो और मजे करते रहो, यही जिंदगी है, यही आज का थॉट है। अच्छा लगे तो शेयर कर देना इसको, मेरा कोई थॉट अच्छा नहीं लगता है पर आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे पता है आप लोग बताते हो। और किसने एक अपना थॉट भी शेयर किया हमारे साथ, किसने किया भूल गई होगी, ये बहुत जो है ना छोटा है, छोटा समझ स्मॉल नहीं है मेरे पास थॉट। अच्छा है, बड़ा है, कह रही बड़ा है। अगर अच्छा किसी को अगर कोई ब्रेन व्रेन लेना हो, एक्सचेंज करना हो तो अनयूज्ड ब्रेन है हमारे पास, अनयूज्ड। मेरा ले लो, इनका मत लेना, इनका तो ऐसे काम का भी नहीं है। मेरा कम से कम एंजॉय तो कराता है ना आपको। तो देखो मेरे पास यहाँ से चालू हुआ था, कहाँ पे जाके एंड हुआ, रॉस वॉइस में। तो अभी ना बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, रात के कितने बज रहे हैं देख लेता हूँ, रात के 11:39 हो चुके हैं, सब सोने की तैयारी में है देख सकते हो। और इसी को यही पेन करते हैं, होप करते हैं आपको अच्छी लगे, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना, बेल आइकन दबा देना, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाय 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 बाय, गाड़ी नींद की नींद आ रही है, गुड नाइट।